सरकार उसको अपने कब्जे में ले रही है और फिर उनको गरीबों में बांटने का काम भी कर रही है। आज सरकार का बुलडोजर कैसे चलता आप देख रहे होंगे, बड़े बड़े माफियाओं के ऊपर, ये माफिया कभी व्यापारियों के ऊपर अपना गुंडों से वसूली करवाते थे, आज सरकार का बुलडोजर जब उनकी छाती पर चढ़ रहा है और उनकी अवैध कमाई को रौंदने का कार्य हो रहा है, क्या आपको अच्छा लगता है? क्यों समर्थन करते हैं? माफिया के खिलाफ कार्रवाई ठीक है, सभी लोगों को पसंद है ना? माफियाओं का समर्थन तो नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं कि सरकार कार्रवाई करे और आप बचाव में आ जाएंगे। इसीलिए भाइयों बहनों, आप पर आपके आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है। विकास भी होगा और विनाशकारी तत्वों के साथ सख्ती से निपटने का कार्य भी होगा। जीवन भी बचाएंगे, जीविका को भी बचाएंगे। ये बाढ़ की परियोजनाओं को एक साथ लोकार्पित करते हुए अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। अपनी सरकारें उद्योग बंद करती थी, कोई सरकार चीनी मिल बंद कर रही है, कोई फर्टिलाइजर बंद कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उद्योगों को चालू करके किसानों की रात को आसान कर रही है, नौजवानों के लिए रोजगार का अवसर उपलब्ध करवा रही है। यही अंतर है। वे लोग नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, अपराधियों को प्रश्रय देते थे, माफिया सरगनाओं को अपना सरपरस्त बनाते थे। आज भाइयों बहनों, अपराधी और माफिया सरगनाओं के खिलाफ सरकार की कार्रवाई तक जाहिर है, लेकिन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी भी संगठन और किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति आज प्रदेश के अंदर देखते हुए बन रही है। बीमारी का समाधान कर देगी।